हे स्टूडेंट्स, बच्चों, कल हमने देखा था कि जो क्वीन ऑफ खाइस्तान है, कल हमारे लेक्चर में बिल्कुल एंडिंग में हमने देखा था, जो क्वीन ऑफ खाइस्तान है वो क्या कर रही हैं। वो अपना महल छोड़ के एक कैरावान में हंड्रेड्स ऑफ कैमल्स, हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस के साथ जा रही हैं। किससे मिलने? वालिदात से। ठीक है बच्चों, फिर वालिदात सैडली कहता है, गुड बाय माई डियर ड्वेलिंग, आई मे नेवर रिटर्न। तो मर्चेंट उसे बच्चों आके बताता है ना कि वालिदात देखो ऐसा ऐसा होने वाला है, जो क्वीन है वो तुम्हारे से मिलने आ रही है, उनको ऐसा लगता है शायद तुम उनसे शादी करना चाहते हो। ठीक है बच्चों, फिर जो ओल्ड ग्रास कटर था हमारा वालिदात, वो हैवी हार्ट के साथ, हैवी हार्ट बच्चों आप समझते हो जिस दिल में दुख भरा हो, उस दिल के साथ चलने लग गया। ही हर्ड समवन कॉलिंग हिज नेम, तब उसने सुना कि कोई उसका नाम बुला रहा था। ठीक है, पेरीवान। पेरीवान कौन है बच्चों? एक टाइप का आप सर्वेंट कह सकते हो। वालिदात, वेयर आर यू गोइंग? उसने जेंटली बहुत प्यार से बोला, वालिदात तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, दे लुक लाइक पेरिस फ्रॉम पैराडाइज। पेरिस का मतलब होता है आपकी हेल्प करने वाले, एंड वो इतने अच्छे से सजे हुए थे वो लोग कि ऐसा लग रहा था वो पैराडाइज। पैराडाइज क्या होता है बच्चों? स्वर्ग, वहाँ से आए हैं। नरेटर टू ने वालिदात उन दोनों एंजेलिक फिगर्स को देख के, बच्चों वो एंजल्स की तरह लग रहे थे वो दोनों। पेरिस बहुत अच्छे से सजे हुए थे, लग रहा था स्वर्ग से आए हैं। उन दोनों को देख के वो शॉक हो जाता है। वालिदात नील्स, वो झुकता है, झुक के उन्हें प्रणाम करता है। आई हैव टू रन अवे फ्रॉम व्हाट आई हैव डन, वो कहता है मुझे अब भागना पड़ेगा उस चीज़ से जो मैंने किया है, उसकी वजह से मुझे भागना पड़ेगा। तो पेरी टू कहता है, डोंट वरी, नो हार्म विल बी फॉल ऑन यू, मतलब कुछ तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है, फिर उसमें से एक पैरी उसे धीरे से टच करता है, और उस टच पे वालिदात एक अच्छा आदमी बन जाता है। फाइन मैन विथ फाइन क्लोथ्स एंड अ टर्बन, अ ग्लीमिंग स्किमितार एडेड अ डैश ऑफ रॉयल चार्म टू हिज पर्सोना। तो बच्चों ये जो एंजेलिक फिगर्स हैं, पैरी वन, पैरी टू, हाँ, ये क्या करते हैं, इनके पास जादू है आप समझ सकते हो। इन्होंने जैसे ही वालिदात को टच किया, वो क्या बन गए? वो बन गया एक बहुत अच्छा आदमी। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे एक करेक्शन आप करोगे, पेरी का मतलब फेरी होता है, ना कि कोई सर्वेंट। तो ये चीज़ आप सही करेंगे, गलती से मैंने सर्वेंट बोल दिया था, पेरी का मतलब होता है फेरी। ठीक है, आप उससे इसको एसोसिएट करेंगे। तो वो फेरीज आती हैं, उसको टच करती हैं, वो एक बहुत अच्छा आदमी बन जाता है, उसके कपड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं, साथ में उसकी टर्बन भी आ जाती है। फिर एक ग्लीमिंग स्किमिटार, स्किमिटार क्या होता है बच्चों? एक छोटी सी जो तलवार होती है, ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई। ठीक है, एड अ डैश ऑफ रॉयल चार्म, उसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल किसी राजघराने का इंसान है, उसके परसोना में मतलब पर्सनैलिटी में वो चार चांद लगा देती है। फिर फेरी वन कहती है, हम पेरी की जगह फेरी कहेंगे, गो बैक नाउ वालिदाद, गुड टाइम्स अवेट यू, जाओ तुम्हारे लिए अच्छा समय इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, वालिदाद्स मॉडेस्ट हर्ट हैड बीन टर्न्ड इनटू अ शाइनिंग पैलेस। तो वालिदाद जिस हट में रहता था, जो एक प्लेन सी नॉर्मल सी हट थी, वो क्या बन गई थी? एक बड़ा सा शाइनिंग पैलेस, चमकदार राजमहल बन गई थी। दे वर्क कंप्लीटेड, द पेरिस वैनिश्ड, एंड जैसे ही उनका काम हो गया, फेरीज गायब हो गई। वालिदाद पैलेस के अंदर गया, ही वॉन्डर्ड एमलेसली गेपिंग एट द रिचेस ही नेवर डिजायर्ड। तो वो अंदर गया, एमलेसली घूमने लग गया, मतलब उसका कोई एम नहीं था ऐसा लग रहा था। गेपिंग, गेपिंग का मतलब होता है बच्चों ध्यान से देखना, वंडर के साथ देखना, उन सारी चीज़ों को वो देख रहा था जो उसे कभी चाहिए ही नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना डिस्कशन यहीं तक रखेंगे, आगे कल हम पढ़ेंगे कि उसके साथ क्या हुआ, क्वीन ऑफ खाइस्तान क्या करती है। ठीक है,
तो आज आपको पता है आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे बच्चों आज हार्ड वर्ड्स हमने देखे। एक चीज जो आपको सही करनी है, पेरी क्या होता है, फेरी होता है, ठीक है? चलिए,